हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? मैं दिनेश एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। तो सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल एंड कंसल्टेंसी कंपनी मिरेकल रियल्टर्स में। तो दोस्तों, आज एक प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट और उसका सैंपल फ्लैट, एक्चुअल फ्लैट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो प्रोजेक्ट है वो दीनदयाल पॉलिसी में आता है, उस प्रोजेक्ट की मैं आपको अभी सैंपल फ्लैट वीडियो दिखाऊंगा, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें, वीडियो बहुत ही यूजफुल है आप लोगों के लिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए जाएंगे तो कल को कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो या फिर रियल एस्टेट के रिगार्डिंग जानकारी मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ जो कि आपके पास नहीं पहुँचेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस वीडियो में। जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट है M3M अंतालिया हिल्स, सेक्टर 79 में ये प्रोजेक्ट आया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में 2.5 एंड 3.5 के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। M3M बिल्डर काफी अच्छा बिल्डर है, काफी अच्छे इन्होंने फ्लैट्स बनाए हुए हैं गुड़गांव में, डिलीवर किए हुए हैं। और ये जो सोसाइटी है इस पर भी कुछ टाइम पहले मार्केट में बातें चल रही थी, कुछ सच भी था और कुछ अफवाह भी थी, वो सारी बातें एक अलग है। उसके अलावा भी अगर इस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। लोगों ने इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाकर कुछ ना कुछ कमाया, ये गंवाया कुछ नहीं है। तो उन सारी बातों से हटके अगर आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी देख रहे हैं लो राइज फ्लोर में, तो इस प्रोजेक्ट को जरूर देखें। इस प्रोजेक्ट में ये जो पूरा लैंड बैंक है बिल्डर का, 50 एकड़ में लगभग प्रोजेक्ट आया हुआ है। 2.5 और 3.5 के ऑप्शंस मैंने आपको जैसे बताए इसमें मिलेंगे। जो इसमें जो बिल्डर प्रोवाइड करा रहा है सारी लगभग एमिनिटीज, इसमें आपको लग्जरी मिलेंगी, बेसमेंट में आपको ऑफिस स्पेस मिलेगा और टेरेस आपको मिलेगा। आप अगर इसमें फ्लैट लेते हैं तो एक फ्लोर पे आपका ही अपार्टमेंट होगा, उस अपार्टमेंट के साथ आपको टेरेस भी मिलेगा, उस अपार्टमेंट के साथ आपको बेसमेंट में ऑफिस स्पेस भी मिलेगा। इसके अलावा आपको एक रिजर्व कार पार्किंग भी मिलेगी। आपके अगर कोई रिलेटिव आते हैं या फिर आपसे मिलने कोई घर पे वैसे आता है जिसको आप ऊपर नहीं बुलाना चाहते या फिर मकान में नहीं बुलाना चाहते, कोई डिलीवरी बॉय टाइप या कुछ भी जिससे आप बाहर ही मिलना चाहते हैं, तो बिल्डर ने वेटिंग एरिया भी दिया हुआ है सभी फ्लैट के लिए, यानी कि सभी टावर के लिए। तो एक अच्छी टाउनशिप है, सभी लग्जरी अमेनिटीज़ के साथ ही आया हुआ है, एक अच्छी लोकेशन है। कनेक्टिविटी मैं आपको इसकी बता दूं, कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट है। कनेक्टिविटी इसकी बनती है NH8 से, NH8 से मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 किलोमीटर ये अंदर है, जो कि काफ़ी अच्छी लोकेशन है NH8 की। और जहाँ पे NH8 पे ये टच होता है वहाँ से आपको द्वारका एक्सप्रेस वे चढ़ने में मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 मिनट की ड्राइव करनी होती है, तो द्वारका एक्सप्रेस वे से भी इसकी कनेक्टिविटी है। अभी बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी एक SPR रोड से भी है, साउथर्न पेरिफेरियल रोड, और साउथर्न पेरिफेरियल रोड जहाँ पे टच होता है वो है सोहना रोड, जो कि खुद एक नेशनल हाईवे है। तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी के साथ ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, काफ़ी अच्छी अच्छी एमिनिटीज इसमें है। इसकी एक दो वीडियो मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन इसका सैंपल फ्लैट रेडी हो चुका है बिल्कुल, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा किस तरीके की चीज़ें बिल्डर प्रोवाइड करवा रहा है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, आप वो सारी चीज़ें देखें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो, तो आप बिल्कुल बेझिझक करें। लेकिन ये जो कमेंट होते हैं कि जी आप किसी ख़राब बिल्डर को प्रमोट कर रहे हो या फिर किसी गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, इस तरीके के जो कमेंट होते हैं, देखो मुझे उन कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसी को प्रमोट नहीं करते। जो चीज़ मार्केट में है वो हम बताते हैं। हो सकता है कि जिनको या जो जिनके ये कमेंट्स होते हैं कि जी ये चीज़ गलत है, वो उनके लिए गलत है तब उनका वो कमेंट है, लेकिन लेने वाले भी हैं मार्केट में। तो सभी के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, सभी के पास मैं जानकारी साझा करता हूँ। तो वो वाली बात है, अगर आपके मन में कोई विचार है तो उसको रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको चीज़ अगर वीडियो समझ में भी नहीं आई, अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आई, वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा, तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। तो चलो मैं आपको सैंपल फ्लैट वगैरह दिखा देता हूँ।
तो ये सैंपल फ्लैट है, एक्चुअल फ्लैट आप समझ सकते हैं, सेम लेआउट 3.5 BHK का ये लेआउट है, आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल ये ड्राइंग एरिया है, सामने डाइनिंग एरिया है, तो काफ़ी अच्छा और स्पेशियस फ्लैट है दीनदयाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि दीनदयाल में एक लिमिटेड प्लॉट साइज होता है जिसकी बाउंडेशन होती है कि आप इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि प्रॉपर लग्जरी सेगमेंट नहीं है ये दीनदयाल का, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा स्पेस है ये। और एक बेडरूम आ जाता है ये इसका, 3.5 BHK का ये अपार्टमेंट है। इसमें आपको 3 प्रॉपर बेडरूम और एक आपको मिलेगा स्टडी रूम, आप उसको स्टोर भी बना सकते हैं लेकिन बिल्डर आपको स्टडी रूम दे रहा है। तो 3.5 BHK का ये अपार्टमेंट है। ये स्टडी रूम आपका हो गया, एक बेडरूम मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। सामने किचन है और पूरा फ्लैट वेंटिलेशन प्रॉपर मिलेगा, पूरे फ्लैट में आपको वेंटिलेशन, वॉशरूम का भी वेंटिलेशन ठीक है, और बालकनी से अटैच है ये सामने वाले दोनों रूम और किचन। तो ये एक बेडरूम हो जाता है, सेकंड बेडरूम इसका, और थर्ड बेडरूम इसका बिल्कुल इसके सामने ये किड्स रूम। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से बिल्डर ने डेकोरेट किया है इसको, आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों के लिए। एक अच्छा व्यू इसका बालकनी से भी मिलेगा आपको, मैं आपको बालकनी एक बार दिखा ही देता हूँ। वॉशरूम आपको मिलेगा इस रूम में भी, बालकनी से आप देख सकते हैं कि ये वाला रूम, इसके फ्रंट में सामने वाला रूम और किचन या हॉल भी इससे बालकनी से अटैच है। तो काफ़ी अच्छे से बिल्डर ने इस फ्लैट को सोच समझ के और काफ़ी अच्छे से इसको बनाया है। कंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से चल रही है। ये बेसमेंट स्पेस है जो मैंने आपको बताया, बेसमेंट में माई स्पेस आपको मिलेगा, इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे इस तरीके से जिम या योगा का कुछ सामान रखें, या बच्चों के खेलने के लिए किड्स एरिया बनाएं, या फिर किड्स प्ले एरिया, या फिर आप इसको ऑफिस स्पेस बनाएं, या फिर थिएटर बनाएं, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्डर ने आपको दिखाया है चारों फ्लैट के हिसाब से अलग अलग आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये फ्लैट है जिसमें आपको प्रॉपर एक घर मिलेगा, एक घर के साथ में एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा जो कि बेसमेंट में है, और आपको टेरेस मिलेगा। मैं आपको टेरेस भी दिखाऊंगा, टेरेस भी काफ़ी अच्छा बिल्डर ने बनाया है। चलो एक बार टेरेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेरेस में भी चार अलग अलग फ्लैट के हिसाब से टेरेस बनाया हुआ है, एक ये हो गया, एक सामने वाला ये हो गया। जो ये झूला लगा हुआ है ये कॉमन एरिया है, ये सभी के लिए होगा, और चार फ्लैट एक बिल्डिंग में, तो चारों के लिए अलग अलग ऑफिस स्पेस बिल्डर दे रहा है, चारों के लिए अलग अलग टेरेस पे स्पेस बिल्डर दे रहा है। तो काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट है, अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। सामने जो प्रोजेक्ट है ये बेस्टेक अल्टूरा है, तो आसपास भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बेस्टेक हो गया, मैप्सको हो गया, गोदरेज हो गया, सुपरटेक हो गया, सिग्नेचर हो गया, खुद M3M है ये। कंस्ट्रक्शन अपडेट आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एक बार भी रुकी नहीं है बिल्डर की। कुछ रुकावटें आई है जो कि मार्केट में ऑलमोस्ट सभी को पता है, लेकिन उसके बाद भी बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन रोकी नहीं, कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। तो कस्टमर्स ने, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, उनको अच्छा रिटर्न इसमें मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। अगर आप रहने के लिए भी देख रहे हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट अगर आप डालना चाहते हैं तो, या आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो भी एक अच्छी ये सोच हो सकती है। M3M अंतालिया हिल्स 79 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है, काफ़ी बड़ी साइज़ है, साइज़ में ये साइट है, 50 एकड़ में ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।